बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज कुकिंग सीक्रेट्स, और मेरे साथ हैं मारिया अंसारी। तो बहुत बहुत वेलकम है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं लौकी की सब्ज़ी, बहुत ही लजीज। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी खूबसूरत सी कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल, और हमने हाफ के जी लौकी ली है तो उसी हिसाब से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, छोटे हों तो आप दो ले लिए, और इसको इसमें अच्छे से पकाएंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट लाइट ब्राउन सा कलर इसका करेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए और ज़्यादा कलर भी ना डार्क हो हमारी रेसिपी का। तो ये देखें, माशाल्लाह से लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसमें अदरक और हरी मिर्च कूटी हुई ऐड करेंगे, इसमें लहसुन नहीं डालना आपने। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। ये लें जी, टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और इन टमाटरों को अच्छे से इस मसाले में भुनेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छे से टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च, उससे आधा नमक और तकरीबन उतना ही हल्दी। तो ये लें जी, ऐड कर दिए मैंने। बहुत ही खूबसूरत हमारा मसाला जो है वो तैयार हो रहा है, ये देखें आप माशाल्लाह से। इसको पकाएंगे हम कोई 4 से 5 मिनट, और बहुत अच्छे से इसकी जो खुशबू है वो निकल आएगी। इतना इसको पकाना ज़रूरी है, वरना इसमें मसालों का कच्चापन रह जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसमें हाफ के जी लौकी डालेंगे कटी हुई, और इसको मसाले में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएँगे, पानी ऐड नहीं करेंगे। तो लौकी में पानी ऐड करना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तोरी की निस्बत। तो इसमें हम तकरीबन 1 प्याली पानी ऐड करेंगे अभी, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको भून लें ताकि इसका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इन्हेंस हो सके। तो ये लें 1 प्याली इसमें पानी ऐड कर देते हैं, और आपने देखा होगा मैंने कोई इसमें गर्म मसाला ऐड नहीं किया। एंड पे थोड़ा सा इसको एक फ़्लेवर देने के लिए ऐड करेंगे, लेकिन रेसिपी के बीच में ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो अब हमारी जो लौकी है वो तैयार है कि इसको हम पकने के लिए रख दें दम लगा के। तो इसको हम रखेंगे टोटल तकरीबन 20 से 25 मिनट, लेकिन बीच में हम इसको चेक करते रहेंगे कहीं इसका पानी ड्राई तो नहीं हो गया, गलती से हमने फ्लेम ज़्यादा तो नहीं कर दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से लौकी गल रही है, और अभी इसके अंदर पानी है, मतलब नीचे सब्ज़ी लगने के कोई चांसेस नहीं है। और इसको फिर दोबारा पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने चेक किया, और मैं इसको टोटल रखूँगा 20 से 22 मिनट। और यहाँ पे इसका ढक्कन लग चुका है। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे प्रेशर भी लगा सकते हैं। प्रेशर में अगर पकाएंगे तो सिर्फ आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, इतनी देर में ये गल जाएंगे। और यहाँ पे देखें जो पानी है वो ड्राई हो चुका है, और इसकी जो पके की लुक है वो हमें नज़र आ रही है। और इसमें डाल दी हैं 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, सिंपल, और इसमें जो वेजिटेबल की अपनी एक नेचुरल जायका, खुशबू और जो एक मीठी सी इसकी मिठास होती है वो आपको मिलेगी। अगर आपने इसमें डाल दिए गर्म मसाले बहुत सारे तो आपका जो टेस्ट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमने 2 चुटकी इसमें ऐड किया है गरम मसाला, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और खुशबू आने के लिए, ना कि इतने स्पाइसेस इसमें तेज़ हों कि वो आपका मैदा और जिगर ख़राब करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत हमारी लौकी की सब्ज़ी तैयार है। आपने देखा कितनी आसान थी, कितनी ईजीली मैंने बनाई। आप भी घर पर बनाएँ और इन्जॉय करें इसको पराठे के साथ, सिंपल रोटी के साथ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आपके एक लाइक से हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें खुशी मिलती है। दुआओं में याद रखें, और अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।